पुराने जमाने में राजा महाराजा जब विश्व विजय अभियान पर निकलते थे तो उससे पहले एक घोड़े को छोड़ा जाता था। नियम यह था कि वो घोड़ा जहां से भी निकलेगा उस राज्य को उस महाराजा की अधीनता स्वीकार करनी होगी, और अगर किसी ने उस घोड़े को रोका या उसकी लगाम थामने की कोशिश की तो उसे उस राजा की, उस महाराज की सेना से युद्ध करना होगा। इसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। इन दिनों यूपी की सियासत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बात 2024 के लोकसभा चुनावों की है जिसमें यूपी की 80 लोकसभा सीटें दांव पर है, और इसीलिए हमने इसका नाम दिया है यूपी का 80 मेध यज्ञ। देखिए यह खास रिपोर्ट। चौबीस के चुनावों के सियासी चिंगारी को सुलझाने में अभी भले मौसम का एक समूचा चक्र बचा, मगर सियासी पार्टियां अभी से ही देश के सबसे बड़े सूबे की 80 सीटों को साधने का चक्रव्यूह बनाने में दिन रात जुट चुकी। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, ये समझने के लिए सियासत का कोई सर्वज्ञानी पंडित होने की जरूरत नहीं है कि जो भी पार्टी यूपी के चुनावी अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान में सफल होगी, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सिंहासन पर उसी की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी। बीजेपी इसी मंत्र को साधकर तो पिछले दो चुनावों में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी में सीएम योगी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का राजनीतिक करिश्मा कर चुकी, और इस बार वो पिछले बार वाली अपनी एकतरफा विजय को और भी पुख्ता करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दो हजार चौदह के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर जीत दर्ज कर विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया था। इसमें उनके सहयोगी अपना दल की भी दो सीटें जोड़ दें तो आंकड़ा 73 तक पहुंच जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महज 5 और 2 सीटों पर सिमट गए थे। दलितों के मसीहा के सर्वनाम पर अपना एकमात्र अधिकार समझने वाली मायावती की पार्टी का तो खाता तक नहीं खुला था। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी 2014 का करिश्मा फिर से दोहराने में एक बार फिर करीब करीब कामयाब रही। जीत का अंतर तब भी इतना बड़ा रहा कि आंकड़ों में विपक्षी पार्टियां उससे कोसों दूर खड़ी थी। बीजेपी कुल 80 सीटों में से 62 में अपनी विजय पताका फहराई। उसकी सहयोगी अपना दल भी अपनी दोनों सीटें बचा ले गई। बीएसपी ने दहाई का आंकड़ा छुआ, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 5 और 1 सीटों पर सिमट कर रह गई। चुनाव जितना बड़ा होता है बीजेपी की तैयारी भी उतनी ही बड़ी होती है। लोकसभा चुनाव में अभी करीब करीब 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की सभी 80 में से 80 सीटें जीतने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। यूपी की 80 सीटों को 2 हिस्सों में बांटा गया। 14 सीटें जो बीजेपी के लिए कमजोर है उन्हें रेड जोन में रखा गया। रेड जोन की सीटों पर केंद्रीय मंत्री अभी से ताकत बढ़ाने में जुटे। इन सीटों पर जेपी नड्डा और अमित शाह की रैली होनी है, तो बाकी की 66 सीटों पर भी पार्टी का पूरा फोकस है। जब 2024 के चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं तो उन 66 सीटों पर भी फोकस शुरू हो गया है, जिस पर पहले से ही कमल खिल चुका है। यानी पार्टी किसी भी सीट को हल्के में नहीं लेना चाहती। इसकी वजह 2019 का चुनाव है, जहां पार्टी ने 12 ऐसी सीटों को खो दिया था जहां 2014 के चुनाव में उसे जीत मिली थी। यानी जिस तरह बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फायदा मिला और वो इतिहास रचते हुए यूपी की सत्ता में लगातार दूसरी बार स्थापित हुई, अब उसी रणनीति पर चलते हुए पीएम मोदी को तीसरी बार दिल्ली की कुर्सी पर बिठाने की तैयारी है। 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतेगा और देश में 400 से अधिक सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में देश के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार बनाने का सौभाग्य मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। 2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के महाअभियान का जवाब किसी भी राजनीतिक दल के पास दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सामने अपनी साख और राजनीतिक जमीन बचाने की बड़ी चुनौती है। बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ के जवाब में उन्होंने एक नया नारा गढ़ा है, 80 हराओ और बीजेपी हटाओ। पिछले दिनों यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, पुलिस सत्तारूढ़ सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर रही है। पुलिस वाले चांदी की लूट में शामिल थे। पुलिस थाने से चोरी का सामान बरामद किया जा रहा है।
क्या डबल इंजन वाली भाजपा सरकार है, 80 हराओ और बीजेपी हटाओ। चुनावों में नारों की अहमियत कुछ ऐसी है कि एक बार वो मतदाताओं के दिमाग में दर्ज हो जाए तो फिर उनके वोट में बदलने की संभावना भी मजबूत होती जाती। यही वजह रही कि इसके जवाब में बीजेपी के कई सिपहसालार एक साथ मैदान में कूद पड़े। समाजवादी पार्टी पूरे देश में ये लोग कितनी भी जुगत कर लें, इनका परिचय क्या बना है लोगों के नजरों में कि ये चुनावी भक्त भी बन जाते हैं, चुनावी उदार भी बन जाते हैं और जैसे ही सत्ता में आते हैं माफियाओं के पैरोकार बन जाते हैं। समाजवादी पार्टी जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इस उत्तर प्रदेश ने क्या नहीं देखा, वो दोनों लड़कों को भी देख लिया, बुआ बबुआ को भी देख लिया, बचल क्या है? बचा है नरेंद्र मोदी जी को 80 की 80 सीट आना। यूपी के 80 में यज्ञ का अनुष्ठान करने में मायावती भी पीछे नहीं। 2024 के चुनावों में बार बार अकेले और अपने दम पर उतरने की बात बार बार दोहराने वाली बहन जी ने बीजेपी को उसी हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जो बीजेपी के महाविजय की बुनियाद है। पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफ़ी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर हैं। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि BSP सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है। मतलब ये कि बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी हो या BSP, 2024 में यूपी की 80 सीटों पर विजय पताका फहराने वाले 80 मेध यज्ञ का अनुष्ठान करने में फिलहाल कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। लखनऊ से अशोक तिवारी, News 24। तो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां यूपी के 80 मेध यज्ञ के चुनावी अनुष्ठान में जुट चुकी हैं। तमाम नेताओं का दावा है कि उनका घोड़ा ही सबसे तेज भागता हुआ यूपी की तमाम 80 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगा। इन तमाम दावों के बीच बीजेपी के विरुद्ध तमाम विपक्षी पार्टियों की एकजुटता की कवायदें भी शुरू हो चुकी है। देश में विपक्षी एकता का बेड़ा इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठा रखा। वो हर दिन अलग अलग दलों के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, मिशन 2024 के लिए विपक्ष की रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। देश के सियासी मिजाज को बारीकी से टटोलने में माहिर नीतीश बखूबी जानते हैं कि यूपी की नब्ज को साधे बगैर 24 में मोदी और योगी की जुगलबंदी से पार पाना करीब करीब नामुमकिन होगा। अगर बात यूपी की है तो 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार की भूमिका राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी अदा कर सकते हैं। इस बात का संकेत उस दिन मिल गए जब जयंत ने एक तरह से कांग्रेस के बिना किसी भी गठबंधन की संभावना को ही सिरे से नकार दिया। अब सभी की निगाहें 23 जून को होने वाले उस बैठक पर है जब देश भर के तमाम विरोधी पार्टियों के बड़े नेता मोदी और योगी की यूपी के 80 मेध यज्ञ का घोड़ा रोकने की रणनीति बनाने के लिए पाटलिपुत्र में जमा होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी हों चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हों, इनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और गठबंधन के साथ क्या समीकरण बनाया जा सकते हैं, किस तरीके से 2024 का चुनाव आसानी से जीता जा सकता है, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी और घटक दल प्रयासरत हैं। 23 जून को पटना में जो बैठक हो रही है उससे पूरे उत्तर भारत की राजनीति पे बड़ा असर पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में देश को गर्क मिले जाने का काम किया है, निश्चित तौर पे देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दिखा दिया है कि देश हमेशा नफरत
की सियासत को प्यार में बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार रहती है और तमाम विपक्षी दलों से कांग्रेस पार्टी लगातार बातचीत कर रही है। मैं समझता हूँ कि जितने विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को निस्तेनाबूद करेंगे। बातें विपक्षी एकता की हो रही है, बातें एकजुटता की हो रही है, मगर दूसरी तरफ हकीकत ये भी है कि गठबंधन में पहले से ही सिर्फ टव्वल भी जारी है। अभी भला कितने दिन हुए जब निकाय चुनाव के दौरान आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सियासी अदावत सारी दुनिया के सामने सरेआम हो गए। 24 से पहले इस खटास को दूर करने का एक तरफ हर दाव चला जा रहा है, वही दूसरी तरफ दूसरे विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है कि जयंत अखिलेश के साथ रहेंगे या फिर वो कांग्रेस का हाथ पकड़ेंगे। हमारा विपक्ष जो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, ये सब समान विचारधारा के दल हैं और इनके साथ पहले भी आपस में गठबंधन हो चुका है। तो हम एक विचारधारा के लोग हैं और हम एक विचारधारा के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पुराने रिश्ते से दूर जा रहे हैं या नए रिश्ते के करीब आ रहे हैं। 24 से पहले जयंत भले अखिलेश के साथ खड़े दिखाई दें या फिर वो कांग्रेस से हाथ मिला लें या फिर ये तीनों नेता एक ही मंच पर दिखाई दें, समीकरण कोई भी बने, मगर जयंत ये बखूबी जानते हैं कि जब तक वो अपने गढ़ को मजबूत नहीं करेंगे तब तक 24 के चुनावी गणित के आंकड़े उनके लिए फायदे का सौदा साबित नहीं होंगे। 24 के चुनाव में वो जितनी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे दिल्ली में उनकी सियासी हैसियत उतनी ही मजबूत होगी। यही वजह है कि इन दिनों वो समरसता अभियान के नाम पर पश्चिमी यूपी के गांव-गांव के धूल फांक रहे हैं, गली गली के चक्कर लगा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल अपने को ताकतवर मानती है, लेकिन 2014 का चुनाव हो लोकसभा या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 19 में सपा के साथ उनका तालमेल था और बीएसपी के साथ भी तालमेल सपा का था, फिर भी वो चुनाव हारे। अब उनकी कोशिश 24 में है कि हमें सीटें मिलें, इसके लिए वो समरसता अभियान चला रहे हैं, खासतौर पर माइनॉरिटीज़ के बीच में, चूँकि बहुत सी सीटें ऐसी हैं वहाँ जो जहाँ माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट कहा जा सकता है, जिसमें 30% से ज़्यादा माइनॉरिटी हैं। मुझे लगता है कि उनकी जो राजनीतिक अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं वो भी एक परेशान करने वाला सबब है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए, जिस तरीके से कांग्रेस से वो अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2024 के पहले तक कई समीकरण नए बन सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जयंत का फोकस मुस्लिमों पर है, जाट और मुस्लिम का समीकरण मजबूत करने पर है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जयंत अगर समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो मुस्लिमों को साथ जोड़कर रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। जयंत जिस मिशन पर जुटे अगर वो कामयाब होता है तो न सिर्फ उनकी पार्टी को संजीवनी मिलेगी बल्कि पश्चिमी यूपी की सियासत और खासकर पश्चिमी यूपी में जयंत का सियासी कद और रुतबा दोनों कई गुना बढ़ जाएगा। दरअसल मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का मजबूत वोटर माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम समीकरण साधने के लिए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने काफी कोशिश भी की थी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आया है। अब पार्टी के रणनीतिकार इस बात को मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर गठबंधन का कोई नया स्वरूप बनता भी है तो खासकर पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम का समीकरण उन्हीं के साथ रहे। यही वजह है कि राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान भी शुरू किया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।